अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, पाया रेसिपी। और किस किस को पसंद है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को पाए पसंद है या नहीं पसंद है। तो इस रेसिपी को जो है ना बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो रेसिपी हम जो है ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे पतीली में, और उसके बाद जो है ना हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना चॉप करके ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद जो है ना हमने प्याज को 2 से 3 मिनट जो है ना सौते करना है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती जाएँ। तो प्याज को जो हमने सौते करने के बाद जो है ना हमने इसमें ऐड करना है साबुत गरम मसाला, जिसमें हमारे पास जो है बड़ी इलायची जो है 2 ऐड करेंगे, और 2 जो है दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे इसमें, और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम काली मिर्च, साबुत काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट सौते करना है ताकि एक फ्लेवर सा जो है ना इसमें आ जाए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और इसके बाद जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे 4 मटन पाए जो है ना हमने इसमें ऐड करने हैं। ये रेसिपी जो है 4 मटन पाए की रेसिपी है। अगर आप को ज़्यादा बनाने हो तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो पाए ऐड करने के बाद जो है हम इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन 10 मिनट जो है ना हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि जो है ना इसमें एक स्मेल जो होती है ना वो निकल जाए। तो अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसमें हमने ऐड करना है 1/2 कप हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, और योगर्ट ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। जितनी बुनाई करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो इसमें अच्छी तरह इसकी बुनाई करने के बाद जो है ना फिर हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो भुनाई हमने अच्छी तरह इसकी 10 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी है, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 2 टीस्पून जो है हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। मिर्चें जो है अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो अपने हिसाब से थोड़ी सी मिर्च बढ़ा लें। और इसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद भी इसकी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इतनी भुनाई करें कि इसका ऑयल जो है देखें ऊपर आना शुरू हो गया है। ऑयल जब ऊपर आता है तब हम इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 गिलास जो है ना इसमें पानी ऐड करेंगे कि पाए जो है ना अच्छी तरह इसमें डूब जाएं, ठीक है। और भुनाई से ये कि जितनी भुनाई करेंगे ना उसमें ये होता है कि एक स्मेल जो होती है ना वो नहीं आती बिल्कुल ना। तो कवर करके मैंने इसको 4 से 5 घंटे इसको कुक किया है। पाए देखें अच्छी तरह जो है ना गल चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसको हम मज़ीद 5-10 मिनट और कुक करेंगे, और ताकि इसका अच्छा से एक फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का ना। तो पाए जो हमारे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। गरम गरम आप सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम।